हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो दिसंबर क्वार्टर का डेटा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा और टोटल डिपॉजिट एंड एडवांस वाइज, बिजनेस वाइज एंड ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, एंड PLI देखेंगे कितने दिन का PLI SBI एम्प्लॉय को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप टोटल देख सकते हो, यहाँ पर जो फिगर दिए हुए हैं दिसंबर क्वार्टर 2022-23 के एंड ईयर बाय ईयर के लिए और क्वार्टर बाय क्वार्टर के लिए। तो अगर ईयर बाय ईयर देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 4.59% का इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्रीज हुआ है, मतलब 19.3% का डिक्रीज हुआ है पिछले सेम क्वार्टर पे। ईयर में सेम क्वार्टर पे 25,219 करोड़ था प्रॉफिट, जो कि अब घट के हो गया है 19,417 करोड़। वहीं आप नेट प्रॉफिट की बात भी करोगे तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर पे था 14,205 करोड़, जो कि हो गया है 9,165 करोड़, जिसमें भी 35% का डिक्रीज हुआ है। बेसिकली ये डिक्रीज प्रोविजन की वजह से हुआ है, क्योंकि SBI में एक पेंशन केस चल रहा था, उसकी वजह से प्रोविजन किया करना पड़ा है 7,000 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से ऐसा नेट प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। तो हम अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि अच्छा इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप एडवांस देख सकते हो, एडवांस है SBI का पिछले क्वार्टर पे जो था 31,33,560 करोड़, जो कि अब 14.38% के ग्रोथ के साथ में 35,84,252 करोड़ हो गया है। वहीं आप डिपॉजिट की बात करो, डिपॉजिट जो कि था 42,13,557, इसमें 13% का ग्रोथ हुआ है, जो कि हो गया 47,62,221 करोड़। मतलब अच्छा इंक्रीज हुआ है कासा में एंड एडवांस में भी। यहाँ पे आप कासा वाइज देख सकते हो कितना कासा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर पे कितना बैंक का कहाँ इन्वेस्ट है एडवांस में। जैसे रिटेल जो है टोटल बिजनेस का वो 42.78% है, कॉर्पोरेट जो लोन है वो 33.79% है, जो SME है वो 13.80% है, और एग्री है 9.63% है। अच्छा है रिटेल लोन, जितना ज़्यादा रिटेल लोन होता है उतना ज़्यादा NPA होने की संभावना कम होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन में ज़्यादा से ज़्यादा NPA हो जाता है, क्योंकि एक लोग को हम लोन देते हैं, जिसकी वजह से बैंक का ग्रोथ में भी नेगेटिव इम्पेक्ट होता है। और कॉर्पोरेट लोन जो होते हैं ना वो सस्ते देने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू रिटेल लोन। यहाँ पे आप टोटल पोर्टफोलियो देख सकते हो अक्रॉस अदर कंट्री में कैसा क्या है। SBI का जो एडवांस है कहाँ कैसा क्या बिजनेस है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया के बाद अगर बात करें तो 26% USA में है एंड 20% UK में है, और फिर ये अदर कंट्री में लेंडिंग रेट दिया हुआ है कितना क्या कैसा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम डिपॉजिट ग्रोथ कैसा है। तो अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें 2022-23 की, तो कासा जो परसेंटेज था टोटल डिपॉजिट का वो 44.48% था, और जो अब इस क्वार्टर में दिसंबर 2023 में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, 41.18%, मतलब 3% के हिसाब से कासा डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में भी ना काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप सारे फिगर देख सकते हो कि टोटल कासा जो था दिसंबर 2022 में 18,677 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ है 18,81,297 करोड़, से 44.48% की इंक्रीज हुआ है। जो टर्म डिपॉजिट है उसके में ज़्यादा इंक्रीज होने वाला, क्योंकि लोग कासा से सेविंग अकाउंट से FD बनवा देते हैं, जिस वजह से कासा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप टर्म डिपॉजिट देख सकते हो 19.54% की मतलब ग्रोथ हुई है। वहीं टोटल डिपॉजिट जो हुआ है 47,62,221 करोड़ हो गया है 13.02% की ग्रोथ के साथ में। एंड यहाँ पे आप स्टाफ एक्सपेंस देख सकते हो, स्टाफ पे कैसा क्या एक्सपेंस रहा बैंक का। तो टोटल एक्सपेंस अभी किया गया है 57,292 करोड़ फाइनेंशियल 23 में, एंड 9 महीने में भी जो किया गया है फाइनेंशियल 2024 में वह हुआ है 54,889 करोड़। ये डिक्रीज इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे आप
मैन पावर देख सकते हो कि 2019 में SBI में एम्प्लाई थे 2,57,252 करोड़। उस टाइम पे 18 हर एक एक जो एम्प्लॉय था वो 18.77 करोड़ का बिजनेस करता था। और आज की डेट में जो SBI के एम्प्लॉय हैं, बिजनेस के बढ़ने के बाद भी एम्प्लॉय को घटा दिया गया है, वैकेंसी को घटा दिया गया है, क्योंकि कम से कम एम्प्लॉय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के साथ काम कराते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल 2023 में देख सकते हो 2,35,857 एम्प्लॉय हैं, जो कि अब हो गया है। अगर 19 से कंपेयर करोगे तो हर एक एम्प्लॉय 18 करोड़ का बिजनेस करता था, अब हर एक एम्प्लॉय 29 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया है बिजनेस के साथ साथ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप सारे फिगर देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना कैसा रहा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे टोटल इनकम देख सकते हो, अदर कहाँ कहाँ से कितनी कैसी इनकम हुई है। टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो जो कि इस क्वार्टर में 2024 में वो हो गई है 1,18,119 करोड़। अब वही अगर नाइन ईयर में कंपेयर करोगे तो 5.3% का ग्रो हुआ है क्वार्टर बाई क्वार्टर पे। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कितना कैसे क्या रहा। तो अगर आप 9 मंथ का कंपेयर करोगे तो 9 मंथ के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो पिछले 9 मंथ में पिछले ईयर के 59,092 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अब हो गया 65,050 करोड़, जिसमें 10% का ग्रो हुआ है। अगर आप 9 मंथ का फिगर में कैलकुलेट करोगे ईयर बाई ईयर पे 19% का डिक्रीज हुआ है, एंड क्वार्टर बाई क्वार्टर पे 4.74% का इंक्रीज हुआ है। और वही नेट प्रॉफिट की बात करो तो क्वार्टर बाई क्वार्टर पे भी डिक्रीज हुआ है, एंड ईयर बाई ईयर पे भी डिक्रीज हुआ है। और 9 मंथ का फिगर कैलकुलेट करेंगे तो जो नाउ अभी 14,378 करोड़ हो गया है, जिसमें 20% का इंक्रीज हुआ है। NPA देख सकते हैं, NPA भी इम्प्रूव हुआ है, नेट NPA जो है अब 0.64% हो गया है, वहीं ग्रॉस NPA 2.42% हो गया है। ये जो SBI और SBI के अदर्स बहुत सारी जो अंदर उसकी कंपनी रहती है, जैसे SBI कार्ड हो गया, SBI लाइफ हो गया, तो इस टोटल बिजनेस का उस नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मेनली हम देखते हैं PLI कि कितना PLI मिल सकता है SBI एम्प्लॉय को। ये आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो पिछले साल 2022-23 में क्वार्टर बाई क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ। तो जून क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 12,753 करोड़ था। इस क्वार्टर के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है क्वार्टर बाई क्वार्टर पे भी, ईयर बाई ईयर पे भी। तो जो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर था वो उसमें 21,120 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। तो टोटल अगर पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे तो 83,173 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। तो अब PLI के लिए इस जो पिछले साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जितने दिन परसेंट का इंक्रीज होगा उतने दिन का PLI मिलता है। अगर 5% इंक्रीज होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 5 दिन का PLI, और 10% इंक्रीज होगा तो 10 दिन का PLI, और 15 इंक्रीज होगा तो 15 दिन का PLI मिलता है। और वही अगर आप भी बात करो तो अभी जो 3 क्वार्टर आए हैं हमारे 2023-24 के, तो अभी तक टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है 65,150 करोड़। अब मार्च क्वार्टर में कितना हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें बैंक से कि हमको PLI मिल सके, तो अगर आप पिछले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे तो 22,181 करोड़, तो पॉसिबल है कि 22,181 करोड़ हो जाएगा। तो अगर 22,181 करोड़ होता है तो 5 दिन का PLI मिल सकता है। अगर 26,340 करोड़ का प्रॉफिट होता है मार्च क्वार्टर पे तो 10 दिन का PLI मिल सकता है। और अगर 30,498 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो 15 दिन का PLI मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 5 दिन का PLI ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक 10 दिन का PLI मिलने की संभावना कम है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाता है बिजनेस बैंक में तब ये 10 दिन का PLI मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ है तो थोड़ा मुश्किल है। बट 5 दिन का PLI तो SBI में कन्फर्म ही होगा। थैंक यू दोस्तों।